व्यूअर्स, एपिसोड 54 इंतहाई इंटरेस्टिंग है और यू विल रियली इंजॉय द ट्विस्ट एंड एवरीथिंग। रोशनी अपनी आया से पूछती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तो उसकी आया कहती है कि मैं नहीं बता सकती क्योंकि सलजान ने मुझे मना किया है। तो वो कहती है कि क्या ऐसी बात है जो सलजान ने तुम्हें मना किया है। तो उसकी आया बताती है कि नहीं, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो रोशनी उसे यकीन दिलाती है कि जब तक वो ज़िंदा है तो उसकी ज़िंदगी महफूज रहेगी, आया को कुछ नहीं होगा। बागों ने जिस जगह पर खंजर मारा है वो इंतहाई नाजुक जगह थी और बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। सलजान रोशनी से जब मिलने आती है तो रोशनी उसे कहती है कि तुमसे ज़्यादा खुदगर्ज़ तरीन औरत मैंने नहीं देखी। ये इस बिना पर कह रही होती है, एक तो उसने आया को भी मना किया होता है और दूसरा सलजान क्योंकि अपना बदला हासिल करना चाहती है, अपने वालिद की मौत का बदला हासिल करना चाहती है इस तरीके से कि उसे तख्त ताज चाहिए, वो जो है ना सरदार की बीवी बनना चाहती है। तो रोशनी कहती है कि तुमने जो अर्तुरुल की कहानी की, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी अर्तुरुल से शादी हो या ना हो, तुम्हें खुदगर्ज खातून हो और तुम्हें बस अपनी एक सरदारी का जो है ना नशा सवार है, तो निकल जो मेरे टेंट से। और वो उसे झाड़ पिला देती है और ज़बरदस्ती उसे निकाल देती है कि तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो, लिहाजा तुम दफा हो जाओ मेरे टेंट से। इधर अर्तुरुल और हलीमा जब वापस आते हैं तो उन्होंने वो देखते हैं कुर्तोगलो ने जो इनके एल्प्स फाइटर्स जो होते हैं उनमें भी एक बिगाड़ पैदा कर दिया होता है। कुर्तोगलो जहाँ पे ट्रेनिंग चल रही होती है वहाँ पर आता है और उनको उकसाने की कोशिश करता है कि अर्तुरुल और सुलेमान शाह की वजह से देखो कितनी जानें चली गई। अब इस बात को लेकर अर्तुरुल जो है ना कुर्तोगलो को कहता है तुमने सुलेमान शाह और गुंदोगदो को तो ख़राब कर दिया लोगों की नज़रों में, लेकिन मुझे तुम अगर एल्प्स इन फाइटर्स की नज़रों में मुझे ख़राब करने की कोशिश की तो जान लो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इस एपिसोड में क्योंकि इलेक्शन होने वाले होते हैं तो सलमान शाह नमाज के बाद दुआ करता है और इंतहाई ज़बरदस्त अल्फाज हैं इस दुआ के, आप एपिसोड देखिएगा कि आए अल्लाह हमारे ऊपर वो बोझ ना डाल जिसको सहने की हमारे अंदर सख्त नहीं है, और दूसरा यह है कि हमें अमन व अमान कायम रखने की तौफीक अता फरमा, हमें शर से बचा। और इंतहाई इमोशनल सीन है ये और ज़बरदस्त किस्म की दुआ, यू विल सी इन द एपिसोड। इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, सुलेमान शाह अल्लाह ताला के 99 नेम्स का वास्ता देकर और नबी पाक की शान बयान करने के बाद अपने बुज़ुर्गों का हवाला देता है, किस तरह उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना अच्छी अकदार कायम की, अपने शहीदों के लिए दुआ करता है और उसके बाद अपनी नशस्त छोड़कर साइड पर आ जाता है कि अब मैं सरदार नहीं हूँ, मैं भी एक वोटर हूँ, लिहाजा अब जिसने कैंडिडेट बनना है तो वो अपने आप को सामने ले आए। सारे इंतज़ार में होते हैं कि कैंडिडेट के लिए कौन आएगा। उधर से कुर्तोगलो की बेचैनी बढ़ती जाती है कि गुंदोगदो क्यों नहीं आ रहा। तंग आकर कुर्तोगलो खुद कह देता है कि हमारा कैंडिडेट गुंदोगदो होगा, लेकिन इसी इसना में गुंदोगदो उस चीज़ को नफी कर देता है कि नहीं, मैं जब तक सुलेमान शाह जिंदा है मैं कैंडिडेट नहीं बन सकता। कुर्तोगलो के लिए ये इंतहाई हैरान कन बात होती है क्योंकि उसने सारी प्लानिंग की होती है, अशराफिया में माल बांटा होता है, तो जब वो नहीं होते तो कुर्तोगलो खुद फैसला करता है कि अगला के मैं कैंडिडेट के लिए अपने आप को सिलेक्ट करता हूँ। इस तरीके से सुलेमान शाह गुंदोगदो मिलकर जो है ना कुर्तोगलो को एक बार फिर बेनकाब करने में कामयाब हो जाते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी और वी रियली नीड योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, हमें फीडबैक ज़रूर दें एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।